गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सरवन सर। आई वेलकम यू ऑल इन द क्लास 11th बायोलॉजी। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। हियर आई वांट टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ योर सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। आई एम रिटेन ओवर देयर द कोर्स स्ट्रक्चर थ्योरी विच इज मैक्सिमम मार्क्स 70 एंड टाइम 3 hours अलॉटेड फॉर योर एग्जाम। एंड दिस ईयर वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल दैट CBSE हैज रिड्यूस योर पोर्शन। अप्रॉक्स 30% ऑफ पोर्शन बिकम रिड्यूस्ड बाई CBSE। सो आफ्टर डिडक्शन वॉट आर द स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर वी सी नाउ। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द होल यूनिट, वॉट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11th। सी स्टूडेंट, इन क्लास 11th बायोलॉजी 044 इज द कोड फॉर द सब्जेक्ट। एंड इन द क्लास 11th बायोलॉजी देयर आर 5 यूनिट्स। यूनिट फर्स्ट, द नेम ऑफ यूनिट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू कैन सी हियर, यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग 15 मार्क्स क्वेश्चंस। नाउ यूनिट सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग 8 मार्क्स। देन यूनिट थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाउ यूनिट फोर, प्लांट फिजियोलॉजी हैविंग 15 मार्क्स। एंड द यूनिट थर्ड इज ऑल्सो हैविंग 15 मार्क्स। एंड देन यूनिट फाइव, ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज 17 मार्क्स। सो द टोटल ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द 5 यूनिट्स इज मैक्सिमम मार्क्स 17 एज यू सी। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन द ईच यूनिट। सो इन द फर्स्ट यूनिट, यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस पर्टिकुलर यूनिट देयर आर 4 चैप्टर्स। एज यू सी आई एम रिटन ओवर देयर द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर वन, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर टू, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन चैप्टर थ्री, प्लांट किंगडम। एंड देन चैप्टर फोर, एनिमल किंगडम। तो बच्चों, आप लोगों को ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब इस 4 चैप्टर में CBSE ने किस चैप्टर को हटाया है आपके कोर्स से और किस चैप्टर को रखा है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 मीन्स द लिविंग वर्ल्ड एंड प्लांट किंगडम, ये 2 चैप्टर के कुछ टॉपिक को, कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है। पूरे चैप्टर को नहीं डिलीट किया गया है। पढ़ना आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, चारों चैप्टर ही पढ़ने हैं, लेकिन चैप्टर 1 के कुछ पोर्शन को और चैप्टर 3 के कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को फुल लेंथ आपको पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का है। और जो पोर्शन इसमें से डिलीट किया गया है बच्चों, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, वो CBSE की वेबसाइट पे भी है, PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं भी आपको अलग से रिवाइज पोर्शन और डिलीटेड पोर्शन सेंड कर दूंगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे चैप्टर 2 आपको फुल पढ़ना है, चैप्टर 4 फुल पढ़ना है, और जो अमेंडमेंट किया गया है या जो रिडक्शन किया गया है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से किया गया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इस यूनिट से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं,
मुख्य रूप से। तो आइए देखते हैं यूनिट सेकेंड चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है इसमें बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये 3 चैप्टर हैं आपके यूनिट सेकेंड में। चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, इस यूनिट में आपको चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर को सीबीएसई के पोर्शन से हटा दिया गया है, पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया है यहाँ पर यूनिट 2 में। और वहीं चैप्टर 5 और चैप्टर 7 को पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में से भी सम पोर्शन कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस पोर्शन में से भी कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। जैसे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में सिर्फ एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ते थे तो उसमें किसी एक इंसेक्ट का, कॉकरोच का या अर्थवर्म का पूरा फिजियोलॉजी पढ़ते थे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चैप्टर 7 में सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ना है, टाइप ऑफ टिश्यू, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, ये सब चीज़ें हैं। और चैप्टर 6 को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, और वही चैप्टर 5 में भी कुछ पोर्शन को हटाया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट 3 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस यूनिट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों 3 चैप्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 1 by 1 चैप्टर्स का नाम लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आपका चैप्टर 8 है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर चैप्टर 9 है बायोमॉलिक्यूल्स। एंड देन चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे नीचे की तरफ, मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल सही कर देता हूँ। या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स और चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बच्चों यहाँ पे यूनिट 3 में चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को पूरा पढ़ना है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन इस यूनिट से डिलीट
नहीं किया गया है। मीन्स हम लोगों को यूनिट थर्ड से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फुल लेंथ पढ़ना है, मीन्स चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। यहाँ से कुछ भी हटाया नहीं गया है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4 की, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट में सिर्फ 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों 5 चैप्टर, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के हैं। सी स्टूडेंट्स, द चैप्टर नंबर 11 ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, द नेम ऑफ चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देन चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन देन चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स देन चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड द लास्ट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी इज चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 5 चैप्टर हैं बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, इन द प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, these two chapters are completely deleted। ये दो चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, इन दोनों चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ चैप्टर नंबर 15 से कुछ पोर्शन को ही पढ़ना है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 15 से। तो प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में कुछ पोर्शन को पढ़ना है और कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर के। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों टोटल 7 चैप्टर हैं। अभी तक आपने 15 चैप्टर तक देख लिया है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर हैं। तो 15 और प्लस 7 22। मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का कोर्स बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन फिर भी जरूरी है पढ़ना, चीज़ों को जानना समझना। और टोटल 22 चैप्टर्स अभी तक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो अभी तक आपने चैप्टर 15 तक देखा, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 से। तो आइए देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर को हटाया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर के नाम लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 इसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद चैप्टर नंबर 17
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन, इसके बाद है चैप्टर 19 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एंड देयर इलिमिनेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और इसके बाद दो चैप्टर और हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा यहां पे चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल, एंड कोऑर्डिनेशन।